एक किसान की चार बातें जीवन भर संभाल कर रखना, हमेशा सुखी रहोगे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ था जो बड़ा ही प्रतापी और दीनहीन प्राणियों की सहायता करने वाला था। राजा बहुत ही समृद्ध था, हर एक सुख सुविधा से संपन्न था, फिर भी उसका मन हर समय अशांत रहता था। राजा ने सोचा कि हर तरह के सुख के साधन मेरे महलों में मौजूद हैं, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, इस अशांति का कारण क्या है? उसने अपने दरबार में ब्राह्मण और ज्योतिषियों को बुलाकर इसका कारण पूछा। सबने अपने अपने मत अनुसार राजा को खुश रहने के उपाय बताए, पर वे एक भी राजा को शांति नहीं पहुंचा सके। आखिरकार एक दिन राजा वेश बदलकर घूमने के लिए निकला। घूमते घूमते वो खेतों पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गरीब किसान मैले कुचैले वस्त्रों में अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहा है। किसान की हालत को देखकर राजा को उस पर तरस आया। सोचा, ये किसान कितनी मेहनत करता है, फिर भी बेचारा बहुत निर्धन है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, क्यों ना मैं इसे कुछ पैसे दे दूं, जिससे इसके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। यही सोचकर राजा ने किसान के पास पहुंचकर उसे 10 सोने की मोहरे देते हुए कहा, हे भाई, मुझे तुम्हारे खेत में ये 10 सोने की मोहरे पड़ी मिली थी, ये मोहरे आपकी हैं, लो इन्हें आप रख लो। मित्रों, मोहरों को देखते हुए किसान बोला, नहीं नहीं सेठ जी, ये मोहरे मेरी नहीं है और ना ही मैं इन्हें ले सकता हूं। आप एक काम करो, इन मोहरों को आप रख लीजिए या फिर किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। किसान का उत्तर सुनकर राजा हैरान था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसे मैं गरीब और जरूरतमंद समझकर ही ये मोहरे देने आया था, जब इस दशा में ये जरूरतमंद नहीं है तो फिर कौन होगा। राजा ने फिर कहा, देखो भाई, आती हुई लक्ष्मी में ठोकर नहीं मारते, आखिर इस संसार में धन की किसे जरूरत नहीं है। फिर आप तो एक परिवार वाले हो, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में पड़ के जिसने धन ना कमाया उसके जीवन को धिक्कार है। धनहीन व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए, और विवाह कर भी ले तो धन कमाने की दिशा में प्रयासरत रहे। जिनके स्त्री बच्चे मैले कुचैले वस्त्र पहनकर भूखे प्यासे रहते हैं, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। गृहस्थ का धर्म है कि वो अपने परिवार को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक धन का संचय करे, यही गृहस्थ का धर्म है। राजा की बात सुनकर किसान बोला, हे महानुभव, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं 4 रुपए रोजाना कमाता हूं और उन 4 रुपयों से मेरा अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। राजा एक बार फिर किसान के जवाब से स्तब्ध था कि 4 रुपए में इसका गुजारा कैसे हो जाता है और ये कह रहा है कि मुझे कोई दुख नहीं है। राजा ने पूछा, हे भाई, तुम 4 रुपए में किस तरह खुश हो, मुझे ठीक से समझाओ। किसान बोला, हे सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हो या आपके पास कितना धन है। खुशी तो उस धन के उपयोग में होती है कि आप अपने धन को किस प्रकार खर्च करते हो। किसान बोला, मैं रोजाना 4 रुपए कमाता हूं, इन 4 रुपए में मैं 1 रुपया कुएं में डाल देता हूं, दूसरे रुपए से मैं कर्ज चुकाता हूं, तीसरा रुपया मैं उधार में दे देता हूं और चौथा रुपया मैं मिट्टी में दबा देता हूं। मित्रों, राजा एक बार फिर किसान के उत्तर से हैरान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसान की बातों का मतलब क्या है। इतना कहकर किसान तो अपने खेत में काम करने चला गया। राजा किसान की बातों को सोचता हुआ अपने दरबार में लौट आया और अगले दिन अपने सभी दरबारियों को बुलाकर किसान की उस रहस्यमयी बात का अर्थ पूछने लगा। कहने लगा, हे सभासदों, मैं कल एक किसान के पास गया था। वो किसान बहुत गरीब था और गरीब होने के बाद भी वो बड़ा खुश था। जो खुशी मेरे पास इतनी धन संपदा होने के बाद भी नहीं है, वो खुशी उस किसान के पास है। वो किसान 4 रुपए रोज कमाता है। उसने बताया कि वो 1 रुपए रोजाना कुएं में डाल देता है, 1 रुपए का कर्ज चुका देता है, 1 रुपया उधार देता है और 1 रुपया मिट्टी में गाड़ देता है। मैं उसकी बातों का ठीक ठीक मतलब नहीं समझ पाया। क्या आप सब जानते हैं कि इस बात का सही अर्थ क्या है और वो किसान 4 रुपए का इस प्रकार उपयोग करके किस तरह सुखी जीवन जी रहा है। किसान के द्वारा कही गई बातों को सुनकर सभासद भी सब चुप रहे।
किसी के पास इन बातों का सही उत्तर नहीं था। अब तो इन बातों को जानने की उत्सुकता राजा को और बढ़ गई। उसने अगले दिन किसान को ही अपने दरबार में बुलवा लिया और उससे कहा कि देखो, कल तुम्हारे पास जो सेठ गया था वो सेठ मैं ही था। मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप 4 रुपए में सुखी जीवन कैसे जी रहे हो। अपनी उन बातों का मुझे स्पष्ट अर्थ समझाओ। किसान बोला, महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 रुपया कुएं में डाल देता हूं। इसका उत्तर है कि मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है अपने परिवार का भरण पोषण करना। मैं अपनी कमाई में से 1 रुपया अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता हूं। दूसरा, मैंने कहा था कि मैं 1 रुपए से कर्ज चुकाता हूं। इसका अर्थ है कि एक मनुष्य की पत्नी और बच्चों को पालने से ही उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। यदि उसके माता पिता जीवित हैं, घर में उसकी बहन भी है, इन लोगों के प्रति भी उसके कर्तव्य बनते हैं कि जिस तरह उन्होंने जन्म देकर पाल पोस कर हमें इस लायक बना दिया कि आज मैं 4 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरा भी यह धर्म बनता है कि मैं अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा माता पिता की सेवा में, उनकी दवा गोली में, उनके वस्त्र आदि में देता रहूं। माता पिता के एहसान का कर्ज संतान जीवन भर में भी नहीं चुका सकती, इसलिए 1 रुपए में उनकी सेवा में लगाकर मैं उनका कर्ज चुकाने का प्रयास करता हूं। तीसरा, मैंने कहा था कि मैं 1 रुपया उधार दे देता हूं। इसका अर्थ है कि जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर, मेरी शिक्षा दीक्षा कराकर मुझे ऋणी बना दिया है, उसी तरह मैं भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा यानी कि 1 रुपया मैं खर्च करता हूं। वो 1 रुपया खर्च करके मैं उन्हें ऋणी बना रहा हूं, जिससे कि बुढ़ापे में वे मेरे कर्ज को मेरी सेवा करके चुकाने का प्रयास करें। और मैंने कहा था कि 1/4 रुपया मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं। इसका अर्थ है कि मैं 1 रुपया बचाकर बचत के रूप में रख लेता हूं, जो आगे चलकर बहन या बेटी के विवाह के काम आएंगे या घर मकान बनाने के काम आएंगे। अब बताओ, मैं अपने 4 रुपयों को सही जगह खर्च कर रहा हूं या नहीं? यदि मैं सही जगह खर्च कर रहा हूं तो मुझे खुशी होगी कि नहीं? मैं अपनी समस्त जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर रहा हूं, इसलिए मेरा परिवार भी खुश है और मैं भी खुश हूं। किसान की बात सुनकर राजा समझ चुका था कि खुशी धन इकट्ठा करने में नहीं है, उसे सही जगह खर्च करने में है। यदि मनुष्य अपने धन अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए खर्च करेगा तो उसे जरूर शांति मिलेगी, संसार की हर खुशी उसके पास होगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास धन तो बहुत है पर खुशी नहीं। किसी के माँ बाप दुखी हैं तो किसी के भाई बहन, किसी की पत्नी दुखी है तो किसी के बच्चे। हमने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल की है। हम धन कमाने में लगे रहे पर हमने अपनों की जरूरतों को नहीं समझा, हमने अपनी जिम्मेदारियों की ओर नहीं देखा, हमने अपने ऋण को चुकाने का प्रयास नहीं किया, हमने उस धन का सही प्रयोग नहीं किया। मित्रों, एक बात याद रखना, धन कमाना आसान है पर धन को खर्च करना बहुत कठिन है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें अपने धन को कहां कहां और कैसे कैसे खर्च करना है, तभी आपको सच्ची प्रसन्नता मिल पाएगी, वरना आपका जीवन घोर अशांति में डूबा रहेगा। मनुष्यों को अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। सच्चा सुख स्वयं खाने में नहीं, खिलाने में है। यदि खिलाकर खाओगे तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। अकेले तो पशु भी खा लेता है, जिसके जीने से हजारों जिए वास्तविक उसी का जीना जीना कहलाता है। अपनों को छोड़कर मुंह मोड़कर जो आगे बढ़ जाता है उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। मित्रों, यदि ये विचार आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।